अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आदि है और आप देख रहे हैं वर्चुअल आदि। अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई है बोलने में रिसर्च वर्क में तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपका कोई पसंदीदा टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज हम बात करेंगे डॉलर गिरने की वजूहात पे। आजकल पाकिस्तान में डॉलर ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे डॉलर को पर लग गए हों। आज पाकिस्तानी रुपए की ये वैल्यू है ओपन मार्केट में 260 का भी नहीं मिल रहा। ऐसे क्यों हो रहा है? जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ है या जो कि अप्रैल में शुरू हुआ था तब से लेके 30 जुलाई तक 70 रुपये डॉलर बढ़ रहा है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा करेंसी गिरने का रिकॉर्ड बन गया है। इसी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। डॉलर बढ़ने की वजह क्या है? बहुत से पाकिस्तानी अवाम ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि डॉलर बढ़ता क्यों है। आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें डॉलर बढ़ने और रुपए गिरने की वजह से आम अवाम मुतासर होती है। डॉलर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह हमारी इम्पोर्ट्स हैं, यानी कि वो अशिया जो हम पाकिस्तान के अंदर बना नहीं सकते वो हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पेमेंट्स हमें डॉलर में करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान के लिए लाजिम है कि अगर हमारी इम्पोर्ट्स सालाना 80 बिलियन डॉलर्स हैं तो एक्सपोर्ट्स और रकम जो पाकिस्तान से बाहर लोग कमाई करने गए हुए हैं वो रकम जो वो अपने खानदान को भेजते हैं जिसको रेमिटेंस कहा जाता है 80 बिलियन डॉलर्स के इक्वल हैं हो या फिर इससे ज़्यादा तब जा डॉलर पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा और डॉलर शॉर्ट नहीं होगा मार्केट से और ऐसे डॉलर ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती कहें या हुक्मरानों की नाअहली, पाकिस्तान के सालाना एक्सपोर्ट्स टोटल 20 बिलियन डॉलर थे 2018 तक। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो एक्सपोर्ट 31 बिलियन डॉलर चली गई थी जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऐसे ही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने रिकॉर्ड रकम पाकिस्तान को भेजी जो लगभग 30 बिलियन डॉलर्स है। कुल मिला के हो गए 60 बिलियन डॉलर्स। अब इम्पोर्ट 70 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान की इनकम 60 बिलियन डॉलर्स, यानी कि पाकिस्तान को हर साल 10 बिलियन ज़रूरत है अपना नुकसान पूरा करने के लिए। अब नुकसान को पूरा करने के लिए पाकिस्तान IMF से या फिर दूसरे ममालिक से कर्ज हासिल करता है जिससे पाकिस्तान आज 130 बिलियन डॉलर्स का कर्जदार हो चुका है। याद रहे 2018 की गवर्नमेंट सालाना 18 बिलियन डॉलर्स करंट अकाउंट का सहारा था, यानी 18 बिलियन डॉलर लोन लेना पड़ता था हर साल इस हसारे को पूरा करने के लिए। अब हम आते हैं कि हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ क्यों रही हैं, क्या वजह है। 2018 में पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स थी 67 बिलियन डॉलर्स की, एक्सपोर्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से 22 बिलियन डॉलर, रेमिटेंस आई 21 बिलियन डॉलर। फिर 2019 में पाकिस्तान ने इम्पोर्ट्स की 62 बिलियन डॉलर की, एक्सपोर्ट्स थी 27 बिलियन डॉलर की और रेमिटेंस आई 22 बिलियन डॉलर्स की। 2020 में देखा जाए तो इम्पोर्ट्स 52 बिलियन डॉलर की थी, एक्सपोर्ट्स 28 बिलियन डॉलर की थी और रेमिटेंस 25 बिलियन डॉलर की। 2021 में देखा जाए तो इम्पोर्ट 69 बिलियन डॉलर्स की थी, एक्सपोर्ट्स 34 बिलियन डॉलर्स की थी और रेमिटेंस टोटल 29 बिलियन डॉलर्स है। अप्रैल 2022 में रिकॉर्ड रेमिटेंस वसूल हुई है पाकिस्तान को जो कि 3 बिलियन डॉलर्स थी। जैसे ही रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ ये रेमिटेंस 25% तक कम हो गई थी। अगर हम कैलकुलेट करें 2018 की इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस को तो पाकिस्तान को लॉस हुआ है 24 बिलियन डॉलर्स का। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 24 बिलियन डॉलर्स का नुकसान 2018 में? फिर आते हैं 2019 में जब PTI की गवर्नमेंट थी तब यह लॉस कम होकर 13 बिलियन डॉलर्स पे आ गया था। फिर ऐसे ही 2021 में भी मज़ीद यह खसारा कम हुआ बल्कि खसारे से निकल कर हम प्रॉफिट में चले गए और ऐसे हमें तकरीबन 1 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। मतलब कि पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ से बाहर आ रहा था, अपने पाँव पे खड़ा हो रहा था, फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई और रिजीम चेंज ऑपरेशन से पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेला गया। सिर्फ 4 माह में पाकिस्तान बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान की महिशत की तबाही का ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं क्योंकि हम जो पहनते हैं, जो खाते हैं सब इम्पोर्ट होता है। अगर हम पाकिस्तानी मिल के इम्पोर्ट्स आइटम को बैकआउट कर दें तो यकीन मानिए सिर्फ 3 मंथ्स में डॉलर ऐसे नीचे आएगा जैसे कोई जहाज़ क्रैश करता है।
इस मुल्क का सतम ज़ारीफ़ी देखें, यहाँ जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सब के सब बनी बनाई अशिया चाइना से इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में बेच के पैसे कमाते हैं, फिर डॉलर में कन्वर्ट करके पैसे बाहर ले जाते हैं। क्यों गवर्नमेंट इनको अलाउ करी है कि बनी बनाई अशिया बाहर से मंगवाने के लिए? कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। एंड ऑफ द डे ये लोग दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर जाएंगे, पिसेंगे हम हमारी 90% आवाम, मैं और आप। अभी भी देर नहीं हुई, आए हम सब मिल के अपने मुल्क को बचाएं। ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, मुल्क ही ना बचा तो हम फिर से ग़ुलाम बन जाएंगे। अब आते हैं कि ये कंपनीज क्यों चाइना से बनी बनी अशिया इंपोर्ट करती हैं, क्यों नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करते ताकि डॉलर बाहर ना जाए। इसके सबसे बड़ी वजह रवायती हुक्मरानों की नाअहली है। जब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो कैसे कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में तैयार होंगे? अब बिजली सस्ती दे नहीं सकते गवर्नमेंट, क्योंकि डैम तो अपने टाइम में बने नहीं और अपने कमीशन के चक्रों में महंगे महंगे पावर प्लांट लगाएंगे, जिससे बिजली की कॉस्ट ही ज़्यादा होती है। चाइना में तकरीबन 82,000 डैम्स हैं, इसलिए वहाँ बिजली सस्ती है और हमारे पावर प्लांट इम्पोर्टेड कोल और क्रूड ऑयल पर चलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हाई ही रहनी है। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ, आज बांग्लादेश के पास 80 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के पास, जिसको कोई 75 साल हो गए हैं, सिर्फ 10 अरब डॉलर, वो भी 3 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया के हैं और 3 अरब डॉलर यूएई के हैं। फिर हमारे पास क्या है? इंडिया के पास तकरीबन 500 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी महीशत है। जब तक हमें लॉयल हुक्मरान नहीं मिलेंगे, हमारा बेड़ा गर्क ऐसे ही होता रहेगा। मुश्किल से एक हुक्मरान मिला, इमरान खान। इसने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करके पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा किया, लेकिन उससे भी साजिश करके तख्त उलटा दिया। क्या हमारी किस्मत में अब यही कुछ रह गया है? ये हमें सोचना होगा। इसका एक ही हल है, अपनी इंपोर्ट्स को कम करना और इंडस्ट्रीज़ को उठाना। जब तक इसका हल नहीं निकलेगा, पाकिस्तान कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता।